हे गाइस, की हलचल। आज हम बात करने वाले हैं अजाज खान वर्सेस राजवीर फिटनेस के बीच चल रहा कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसा आपको पता है कि उन दोनों का कंट्रोवर्सी काफी दिनों से चल रहा है, जिसमें प्रदीप ढाकर ने अजाज खान का सपोर्ट करते हुए वीडियो बनाया था और राजवीर फिटनेस को चैलेंज कर दिया था। तो राजवीर फिटनेस की तरफ से प्रिंस राजपूत ने प्रदीप ढाकर का चैलेंज एक्सेप्ट किया था और दोनों ने एक दूसरे को लोकेशन पे दिया था, मगर वो लोकेशन पे नहीं आए। उसी चीज पे राजवीर फिटनेस ने रिएक्ट करते हुए क्या बोला है और वो मुंबई में अजाज खान से मिलने क्यों नहीं आ पाए थे, राजवीर फिटनेस ने उस पर भी एक स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ बोला उन्होंने, चलिए देखते हैं। भाई लोग, ऐसा है, तुम्हारा भाई थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा तो आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी देखने का सोशल मीडिया पे ना करने का। आप देख रहे हो कम एक्टिव हूँ दो तीन दिन से। हाँ, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, कोई इजाज़ खान का छोटा भाई पैदा हुआ मार्केट में तो उन्हें चैलेंज दिया गई है, तो उसमें भाई हमारे प्रिंस भाई ने चैलेंज लिया। प्रिंस भाई कौन है? हमारा छोटा भाई है भाई, ठीक है, राजपूताना शेर है। तो भाई छोटे भाई से छोटे भाई लड़ लेंगे, हमें घुसने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे भाइयों के मैसेज मुझे आ रहे थे, भाई प्रिंस भाई के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे। भाई बात ऐसी है, पहली बात तो प्रिंस को जरूरत नहीं किसी की, अकेला ही शेर बहुत है। दूसरी बात, जहां ग्राउंड लेवल पे उतर के आने की बात होगी, जहां घूसा बजाना पड़ेगा उससे पहले वहां घूसा बजा भी दूंगा और जहां खाना पड़ेगा वहां खा भी लूंगा, ठीक है। तो भाईचारा तो हमारा ऐसा है, जिसके साथ भी है इसी तरह का है, कि जहां बजाना पड़ेगा वहां बजा भी लेंगे, जहां खाना पड़ेगा वहां खा भी लेंगे, ठीक है ना। तो प्रिंस भाई थोड़ा सा आराम से देख के, हल्के दिल के बालक है, नकली दिल के, ठीक है, तो थोड़ा सा संभाल के। तो भाई किसी के दिमाग में ये हो ना भूल गए ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं है। मेरा बड़े वाले से छोटे वोटे भाई मैं पढ़ता नहीं, ना मैं किसी को जवाब दूं, ना मैं किसी को मैसेज का रिप्लाई करूं। छोटे का छोटे ने चैलेंज ले लिया, छोटे भाई ने हमारे, आपस में लड़ते रहो। और मैंने बता दिया, ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है, अकेले अकेले आ जाओ, अखाड़ा खोदो, दोनों मरो, लड़ो, जो बाहर निकले जिंदा वो मर्डर, एक का जवाब मैं दे रहा हूँ। और भाई जो बम्बई वाली बात है उसमें ये भाई, जब हमारे साथ कोई बड़ा भाई होता ना हमारा, जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा होता लाइफ का, लफड़ों का, उसकी सुननी पड़ती है। तो ये भाई प्रिंस तो वहां चांटे बजाते थे उसमें, बड़े में छोटा क्या चीज है। वहां से हमें ओकेंद्र भाई ने दो चार बातें समझाई कि भाई ऐसे ऐसे लफड़ा पड़ेगा, केस तुम पे लगेगा, क्योंकि तुम दूसरे स्टेट से आए हो। वहां हमने थोड़ी सी शांति दिखाई, समझदारी दिखाई, उल्टे आ गए, ठीक है। तो वो ओकेंद्र भाई ने उस दिन शांत करवाया था मुझे भी, प्रिंस को भी। यहाँ लग रहा हो अपने स्टेट में कोई शांत हो जाएगा, यहाँ कोई शांत नहीं है। तो भाई लड़ो, बिल्कुल लड़ो, हमें भी मजा आए, वन वर्सेस वन करो और एक का दस बार। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो आदमी मुंबई तक पहुंच गया मेरे साथ घूसा बजाने, उसे अपने स्टेट में जरूरत पड़ेगी, अपने दिल्ली में। तो भाई अकेला ही शेर बहुत है, और जैसे मैंने कहा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं खड़ा मिलूंगा। दूसरी चीज, जरूरत तो पड़नी भी चाहिए। दो लोगों में चैलेंज होता है, पता नहीं कि ये बैच कॉन्ट्रोवर्सी, सोशल मीडिया की कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती है। भाई मैं अखाड़ा खोद लेता हूँ, उधर से वो जो भी एजाज खान का छोटा भाई है वो आ जाए, इधर से प्रिंस आ जाए, एक का दस भाव है। मैं प्रिंस पे भाई तुम सामने वाले पे लगाओ 1,00,000 रुपए, अगर प्रिंस आ रहा तो मैं दूंगा 10,00,000 रुपए। तो दोनों के अकेले अकेले करवा लो अखाड़े में, पता लग जाएगी कि किसके बता से कितने गोल हैं। और ऐसे उस बम्बई वाले आंडल के लिए मैं तैयार हूँ 24 घंटे। भाई जिस दिन मन करे, जहाँ मन करे, अकेला अकेला आ जा, है ना, वो आंट खान जो है। और भाई किसी को ये लग रहा हो शांत बैठ गए, थोड़ा सा काम में बिजी हो गए, शांत नहीं बैठे भाई, भुगतान करना पड़ेगा। किसी के दिमाग में गलतफहमी आ रही हो कि भैंसो शांत हो गए या कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो गई ना। तो भाई प्रिंस पे मेरे मतलब 1,00,000 की शर्त लगेगी, प्रिंस जीता तो तुम मुझे 1,00,000 दे देना, प्रिंस हारा तो मैं तुम्हें 10,00,000 दूंगा, 1,00,000, ठीक है भाई। प्रिंस ये जो भी भाई है, पहले तो मैं कहूँ भाई आपस में एक धर्म में, धर्म क्या, किसी भी कम्युनिटी में लड़ाई हो ही ना, पर किसी की गांड में जाते चुन्ने काट रहे तो भाई अकेले अकेले गुथ लो, और 1 के 10 का भाव दे रहा हूँ प्रिंस, ठीक है भाई। सारी बात खत्म करो, सारा लफड़ा खत्म करो, 1 vs 1 करो, 1 के 10 का भाव मेरी तरफ से है, 1,00,000 रुपए लाओ, 10,00,000 ले जाओ, ठीक है। तो गाइस, राजवीर सिसोदिया के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि वो डरे हुए हैं और वो अपनी जगह राजपूत प्रिंस को लड़ाना चाहते हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि इन दोनों का कंट्रोवर्सी रियल है या फेक, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।